कैसा रहा मोदी सरकार का बजट? किस सेक्टर को मिलेगा सबसे ज्यादा बूस्ट? रियल एस्टेट के लिए कैसा रहा ये बजट? इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता गौरव खोसला ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के एमडी राजकुमार धूत से बातचीत की। तो चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि इस बजट से देश में कितना विकास होगा। इस समय हमारे साथ मौजूद है राजकुमार धूत, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रमोटर है वीडियोकॉन ग्रुप के। सर, स्वागत आपका जी मीडिया में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि बजट तो पेश हो चुका है, लेकिन आपको ये बजट कैसा लगा मोदी सरकार का? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा कि ये आज 70 साल के पॉलिटिकल इतिहास में पहला बजट जो मैंने सुना है। इट इज़ ए न्यू इलेक्टोरल बॉन्ड बजट दैट इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, which is called as a electoral bond budget. See, it is a James Bond which is introduced in the market for a political things. Simultaneously, in the present situation, Mr. Jaitley has tried to keep growth of Indian story, that to in more investment attract from the foreigners. I think he will achieve that in 2 years time. इट इज ही हैज लेड ए फाउंडेशन ऑन दिस। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रेलवे में ज़्यादा स्पेंडिंग और पावर स्पेंडिंग के कारण भारतीय इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा, उसके कारण क्रय शक्ति बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ने के कारण अपने आप टैक्सेस इंक्रीज होंगे, उस हिसाब से गवर्नमेंट के पास भी पैसा आएगा और न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जो मोदी जी का एम है कि हर एक आदमी को काम, स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के साथ ये और तीन चीज़ें ऐड करने के लिए उन्होंने ये बजट में काफ़ी सुविधाएं प्रदान की है। सर, आपको लगता है कि हर सेक्टर को हर सब कुछ मिला है, और उस सेक्टर में जो जो जिसको कुछ कुछ मिला है, क्या वो पूरा होगा और उससे देश का विकास कितना होगा? देखिए, ये बजट जो है ये वन टाइम देखने जैसा नहीं है कि इनको लगता है कि आज ये बजट का एक साल के अंदर बताएं। ये बजट जो दिया है ये 2 साल के 3 साल के बेसिस पे दिया है कि दिस ईयर जो ग्रोथ होगी, नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा ग्रोथ होगी, और अल्टीमेटली 2018-19 में ये ग्रोथ 9% तक ले जाने के लिए ये बजट है। मुझे लग रहा है कि इसके कारण बेसिक जो आज हमारे पास वर्कर्स लोगों को जो काम नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल रही है, इस बजट में इसका प्रावधान है, और जो छोटे लोग हैं, जो कम इनकम वाले लोग हैं, उनको काफ़ी टैक्स में रियायत दी है। वो कई सालों से ये डिमांड थी लोगों की कि ये मिलनी चाहिए, जो 5% 10% का 5% किया है, आई वेलकम दैट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल। सर, रियल स्टेट इंडस्ट्री काफ़ी मंदी से जूझ रही थी, और सबसे बड़ी बात है कि अफोर्डेबल होम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा कारपेट एरिया की बात की गई है, और प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन की समय सीमा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रावधान रखा गया है। क्या आपको लगता है इन स्टेप से रियल इस्टेट इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, रियल इस्टेट इंडस्ट्री को तो काफ़ी फ़ायदा मिलने ही वाला है, पर रियल इस्टेट इंडस्ट्री मतलब नहीं केवल रियल इस्टेट है, उसके कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी पुअर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। स्टील इंडस्ट्री में बढ़ावा मिलता है, सीमेंट इंडस्ट्री में बढ़ावा मिलता है, पेपर इंडस्ट्री में जो वॉलपेपर लगाते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के जो नए घर बनते हैं उसके अंदर नए टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर सब खरीदा जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए ओवरऑल इकोनॉमिक बूस्ट बजट। इट इज़ नॉट ओनली ए बूस्ट टू द रियल इस्टेट, बट टोटल बूस्ट टू द इकोनॉमिक बजट। जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मिस्टर धूत, जिन्होंने बताया कि ये जो बजट होगा ये आम जनता के सपने को साकार करेगा, और आने वाले समय में इस बजट से हर किसी को हर सुविधा मिलेगी। गौरव खोसला, जी मीडिया। अब वक्त है कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो इस हफ्ते की सुर्खियां बनी। देखते हैं प्रॉपर्टी न्यूज। यूनिटेक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एनसीडीआरसी ने यूनिटेक को 3 करोड़ रुपए अदा करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिल्डर को 2012 से होम बायर को 10% सालाना ब्याज भी अदा करना पड़ेगा। दरअसल होम बायर ने नोएडा के बरगंडी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था, और कई साल बीत जाने के बाद भी यूनिटेक ने फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया।
रियल एस्टेट सेक्टर में निजी इक्विटी निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है। JLL की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में रियल एस्टेट में निजी इक्विटी निवेशकों की भागीदारी 62% बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 2015 में निजी इक्विटी निवेशकों की भागीदारी 23,500 करोड़ रुपए थी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट और GST के पास होने के बाद निजी इक्विटी निवेशकों की भागीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2016 में जुलाई से सितंबर के दौरान निवेशकों का भरोसा लौटने से निजी इक्विटी निवेश 21,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2015 के इस समय के दौरान निवेश 9,500 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। राजनीतिक स्तर पर स्थिरता, FDI पॉलिसी में नियमों के आसान होने और निवेशकों का भरोसा लौटने से निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केवल 45% लोग मानते हैं कि नोटबंदी की वजह से कमर्शियल रियल एस्टेट प्राइसेस में कमी आएगी, जबकि 51% लोगों का मानना है कि प्राइसेस में कमी नहीं आएगी और 4% ने इस बात पर कोई राय नहीं दी। रियल एस्टेट सेक्टर के प्रोफेशनल बॉडी रिक्स के एक सर्वे के मुताबिक नोटबंदी से रियल एस्टेट सेक्टर में सेंटिमेंट में काफी कमी आई है, जो साल 2013 के बाद अब तक का सबसे बुरा है। 8 नवंबर से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के सेंटिमेंट में कमी आई, जो अब तक एशिया की लगभग सभी मार्केट्स के मुकाबले बेहतर थे।